एक जनवरी को महालक्ष्मी योग, छह राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, समय के साथ साथ ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार राशियों में बदलाव आते रहते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार ही मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे और बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अब अगले इस नए साल के 1 जनवरी को, यानी कि नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसी विशेष राशियां हैं, खासकर 6 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब इन राशि वाले लोगों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि अब सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। दोस्तों, बता दें कि कई सालों के बाद ऐसा दुर्लभ महाशुभ संयोग 1 जनवरी को बन रहा है। इस नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को महालक्ष्मी योग के बनने से इन 6 राशि वालों की किस्मत अब सातवें आसमान पर रहने वाली है। इनका भाग्य अब चमकने वाला है। अब इनके घर में माता लक्ष्मी जी के कदम पड़ने वाले हैं। इन राशि वाले लोगों के जीवन में आने वाले सभी जितने भी दुख दर्द हैं दूर होने वाले हैं और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ होगा। अब इनका आने वाला ये साल 1 जनवरी से बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करने से पहले माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर कर लें। माँ लक्ष्मी कृपा से इसमें आपको किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, अच्छे लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, ऐसा महादुर्लभ शुभ संयोग कई वर्षों के बाद इस बार 1 जनवरी 2023 को बन रहा है। 1 जनवरी 2023 को महालक्ष्मी योग बनने से इन राशियों की किस्मत संवरने वाली है। अब इन्हें संतान प्राप्ति से लेकर घरेलू जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। इन राशि वाले लोगों को लगभग 80 वर्षों के बाद बन रहे इस महालक्ष्मी योग की वजह से इनका समय बहुत ही अच्छा और शुभ व्यतीत होगा। दोस्तों, इस दौरान परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम होने की संभावना बन रही है। आप लोग इसमें कोई नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। घर में कई प्रकार के चल रहे कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे। नए साल के इस पहले दिन 1 जनवरी को इस महालक्ष्मी योग की वजह से अब आपकी किस्मत संवरने लगेगी। धन आगमन के स्रोत बढ़ने लगेंगे। नौकरी करते हैं तो व्यापार वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। सफलता कदम चूमती चली जाएगी और भाग का पूरा पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जो 1 जनवरी 2023 के इस महालक्ष्मी योग की वजह से बनने की वजह से करोड़पति बनने वाली हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक एक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहली और भाग्यशाली खुशनसीब जो राशि आती है वो है यहाँ पर मेष राशि। मेष राशि के आपको बता दें कि इस नए साल के 1 जनवरी 2023 को महालक्ष्मी योग की वजह से अब आपकी किस्मत चमकेगी। जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सॉल्व होंगे। अचानक धन का लाभ होगा। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे, अधूरे कार्य आसानी से पूरे होंगे। सफलताएं कदम चूमती चली जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक धन लाभ होगा। लगातार आय बढ़ सकती है। आमदनी के स्रोत बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। जो कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। धन संपत्ति का लाभ होगा। कार्यों में चली आ रही परेशानियाँ दूर होगी। साथ ही साथ उपलब्धियां कदम चूमेगी। महत्वपूर्ण लाभ मिलने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लगातार आय बढ़ने से मन काफ़ी हर्षोल्लासित रहेगा। जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हल होंगे। वित्तीय मामलों में सुधार होगा। बैंक के कोई क्षेत्र में अगर कार्य रुका था तो वो पूरा होगा। बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से अब आपका भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त होगी।
माँ लक्ष्मी कृपा से अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। इस नए साल 1 जनवरी 2023 को इस महालक्ष्मी योग की वजह से अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। अब अगली दूसरी जो राशि आती है वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, बता दें कि इस महालक्ष्मी योग की वजह से अब आपके दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। नए साल की शुरुआत बहुत ही शुभ रहने वाली है, इसीलिए तो कहा है कि पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 80 वर्षों बाद 1 जनवरी 2023 को महालक्ष्मी योग, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों बता दें कि कन्या राशि को इसमें कोई भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, शुभ मंगल कार्य होंगे और धर्म से रिलेटेड कार्यों पर खर्च करेंगे और इसमें किसी की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कोई कार्य पेंडिंग था, अधूरा था तो पूरा होगा। धन संपत्ति का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, कार्यों में चली आ रही परेशानियां दूर होगी, अच्छे लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। बता देगी अब आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी मेहरबान हो रही हैं। पेंडिंग काम आसानी से पूरे होंगे, अधूरे कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब अगली राशि आती है तीसरी, वो है यहाँ पर दोस्तों बता दे सिंह राशि। सिंह राशि के आपको बता दे कि अब आपकी भी किस्मत चमकेगी। लॉटरी सट्टे में भाग आजमाएंगे तो जबरदस्त लाभ होगा, लॉटरी लगने की संभावना बन रही है। लॉटरी के साथ साथ आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, किस्मत और भाग्य चमकने से धन का आय बढ़ेगा। धन के स्रोत बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे थे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण सफलता मिलने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। कुछ आप खास इसमें विशेष कार्य कर सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़े कार्यक्रम भी पूरे हो सकते हैं, लगातार आय बढ़ सकती है, लगातार आमदनी बढ़ने से मन काफ़ी हर्षोल्लासित रहेगा। बता दें कि भागदौड़ भी बनी रहेगी और ये भागदौड़ आपके लिए काफ़ी खास रहेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से आपका प्रेम जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। अब अगली जो राशि आती है यानी चौथी, वो है यहाँ पर दोस्तों तुला राशि। तुला राशि को बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य उदय होगा और कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लगातार आमदनी बढ़ने से लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे, अधूरे थे। माँ लक्ष्मी कृपा से इस महालक्ष्मी योग बनने से नए साल की शुरुआत बहुत ही शुभ रहेगी। इसमें शिक्षा में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, नई कंपनियों में ज्वाइन करेंगे, नई जॉब लगने की संभावना बन रही है और अच्छे अंक आपको शिक्षा में प्राप्त होंगे, रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने से मन काफ़ी हर्षोल्लासित रहेगा। अब अगली यारी राशि पाँचवीं आती है, वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, अधूरे कार्य आसानी से पूरे होंगे, लगातार आमदनी बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा, सफलताएं कदम चूमेगी। बता दें कि मान सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोकप्रियता हासिल होगी, कार्यों में चली आ रही परेशानियां दूर होगी, अच्छे लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी बढ़ेगी, लगातार आय बढ़ने से मन काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगली यानी जो छठवीं जो राशि आती है वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि के जातकों बता दें कि 1 जनवरी 2023 को महालक्ष्मी योग बनने से अब आपके दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत ही शुभ रहेगा। लगातार आय बढ़ने से मन काफ़ी हर्षोल्लासित रहेगा। बता दें कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे, आय में वृद्धि होगी, सफलताएं कदम चूमेगी, नए निर्णय नए डिसीजन लेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी शुभ रहेगा। हालांकि इसमें गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, नई चीज़ें आपको मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में अभी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे कार्य होंगे पूरे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण सफलता मिलने से मन काफ़ी अच्छा रहेगा, कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, नए लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे थे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। अब अगली राशि आती है, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि कहते हैं अब आपकी किस्मत चमकेगी, भाग उदय होगा, लाभ के योग बनेंगे, पत पत्नी के बीच संबंध मध्य रहेंगे, जीवन साथी से लाभ होगा, शिक्षा में और नौकरी और बिजनेस व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। तो दोस्तों इन 6 राशियों को विशेष लाभ होगा, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से इन राशियों का भाग उदय होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।